हेलो वेलकम टू माय शो बॉबी द मैट नियर दोस्तों करण जोहर की फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन विच इज डायरेक्टेड बाय अयान मुखर्जी स्टार्स रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट अब ये नाइन सितंबर को रिलीज हो रही है सबको पता है इसका एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखा गया द गॉड ऑफ साउथ फिल्म इंडस्ट्री द गॉड ऑफ डायरेक्टर्स राजा मौली सर उनके लिए एंड द मेगा सुपरस्टार चिरंजीवी एंड ऑफकोर्स द बादशाह बॉलीवुड शाहरुख खान शाहरुख खान तो फिल्म में छोटा केमियों कर रहे तो ये इनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई और क्या तारीफ़ की है राजा मौली सर ने एन चिरंजीवी सर ने शाहरुख खान बहुत तारीफ की फिल्म की ऑब्वियसली और तारीफ तो करनी पड़ेगी अब इस उनके सामने थोड़ी बोल सकते कि हिट फ्लॉप फ्लॉप हुई तो फ्लॉप तो नहीं बोल सकते जैसे कि लाल सिंह चड्डा का मैंने किया था जब उसकी स्क्रीनिंग रखी गई थी तो चिरंजीवी सर उसको तो राजा मौली सर एन नागार्जुन सर एन सुकुमार जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी लाल सिंह चड्ढा की क्योंकि वो आमिर खान के मूव पर तो नहीं बोल सकते कि आपने कचरा बना दिया मतलब जाहिर बात है किसी के मूव पर नहीं बोल सकते ना कि आपने घटिया फिल्म बना दिए उनको तो पता था वो लोग तो पंद्रह मिनट में समझ गए ही रहेगी कि आमिर खान ने कचरा बनाया है तो भी वही सेम चीज़ दोबारा हो रही है ब्रह्मास्त्र के लिए तो ज़ाहिर बात है राजमौली सर तो झूठ मतलब उन्होंने अभी उनको अच्छी नहीं लग रही तो भी उन्हें अच्छा ही बुला रहेगा क्योंकि कांटेल लग रहे फालतू पिक्चर है पब्लिक जब भी रिलीज़ होगी तब हिट है या फ्लॉप पब्लिक बताएगी इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ जितने भी बॉलीवुड की बॉलीवुड में स्किन ही रखते कोई भी फिल्म की नो नॉट ओनली इन बॉलीवुड हॉलीवुड कहीं भी जो फिल्म के जो लोग होते हैं अगर वो लोग लो फिल्म देखें ना दे विल नेवर से बैड थिंग कभी नहीं बोलेगी वो लोग मीडिया कैमरा के सामने या जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर के सामने कि आपने फिल्म फ्लॉप बनाई दे विल नेवर से इट्स कोई भी हो सामने वाले बुरा लग जाएगा कि अगर आप वो आपको इन्वाइट कर रहे स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए फिर आप उनकी बुराई करो तो उनको ज़ाहिर बहुत अच्छा नहीं लगेगा तो इसके लिए मैं ये कभी बिलीव नहीं करता कोई भी एक्टर हो एक्ट्रेस हो या कोई कैरेक्टर एक्टर हो या फिर सबसे बड़ा डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो वो लोग कभी तारीफ कर दो तो यू शुड नेवर बिलीव तो ब्रह्मास्त्र हिट है या फ्लॉप है वो नाइन सितंबर को ही पता चलेगा तो लेट्स सी क्या होता है नाइन सितंबर को ब्रह्मास्त्र कितनी बड़ी सुपरहिट होती है या कितनी बड़ी फ्लॉप होती है वो सब ऑडियंस के ऊपर डिपेंड है अब लोग बोलते हैं बॉयकॉट करो रणबीर कपूर आलिया भट्ट आई डोंट नो वॉट टू से बॉयकॉट फॉर वर्ड एंड अभी अमिताभ बच्चन को भी बोल रहे बॉयकॉट करो आई डोंट नो वॉट टू से तो मैं तो यही बोलूंगा बॉयकॉट मत करो बॉयकॉट करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है बेचारे गरीब लोग मर जाएंगे टेक्नीशियंस वो लोग जो स्पॉट बॉय उन लोग का काम धंधा चला जाएगा आप लोग के बॉयकॉट होने से ना रणबीर कपूर को कुछ फर्क पड़ेगा ना आलिया भट्ट को ना करण जोहर को ना आयन मुखर्जी को एंड ऑफकोर्स द गॉड ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़े दीडी वेरी रिच पीपल मिनर है लोग जो उनके प्रोडक्शन में काम करते वो लोग अब धर्मा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो सब बेरोज़गार हो जाएगी तो वो लोग तो हमारे तो मरीज से मामूली लोग हैं डोंट बॉय कॉट एनी बॉडी सिंगल स्क्रीन थिएटर में जाइए फिल्म देखिए सपोर्ट कीजिए फिल्म को थिएटर्स को सपोर्ट कीजिए थिएटर्स अभी बंद हो रही कगार का में आ गए सीरियस दिखाई सो डोंट बॉय कोट एनी बॉडी किसी ने कुछ कह दिया तो उसके लिए पूरे मतलब आई यू नो व्हाट टू से यू गाइस आर क्वाइट स्मार्ट गो एन वॉच ब्रह्मास्त्र ओनली इन थिएटर्स ओनली ब्रह्मास्त्र ऑल द मूवीज विच अवर मूवीज यू फील लाइक शुड गो एन वॉच इन थिएटर्स गो एन वॉच टन के पॉचिंग मचा बॉय बॉय मैच नियर सिंह ग्रपा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल